टॉमी एटकिंस लेके आए हैं भैया जी। क्या रेट में बेच रहे हैं टॉमी एटकिंस? ये 50 रुपए पीस बिक रहा है। 50 रुपए पीस जी, ये देख सकते हैं। लगड़ा है दूसरी अमरपाली केसरिया बदम्मा उसर। कौन सा मैंगो भैया आपने बाई किया यहाँ से? गुलाब जामुन लिया है। गुलाब जामुन आपने भैया? मैंने लिया एक गुलाब खास। ये सारी आम्रपाली से लेके पूसा दीप सिखा पूसा मनोहरी तक की। मैंगो फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है, यानी 7 तारीख है, और यह मैंगो फेस्टिवल 5, 6, 7, 3 दिनों में आयोजित किया गया, और बहुत ही बढ़िया मैंने यहाँ पर देखा कितना लोगों में उत्साह है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़, कितना क्राउड आपको दिखाई देगा, और बहुत सारा क्राउड लगातार आ रहा है, जा रहा है, और जैसा कि आपको मैं अभी अंदर भी दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। मैंगो फेस्टिवल में बहुत तरह के मैंगो को लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैरायटियाँ यहाँ आती हैं। लोगों ने यहाँ टेस्ट किया, ईटिंग कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जय होम गार्डनिंग। कहाँ से आए सर? हम रटोल बागपत। अच्छा, मैं आपके पास एक खास वैरायटी देख रहा हूँ जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, ये चंपा जी। ये इसकी क्या खासियत है चंपा आम? खूबसूरत होता है, रंगीन आम होता है, कलर आ जाता है, कच्चा है ये, कलर आता है। हाँ, कलर आ जाता है। इसमें दो तरह के आमों का स्वाद आता है। हाँ, दो तरह के आमों का स्वाद आता है चंपा में जी। अच्छा, ये आप फर्स्ट टाइम लेके आए यहाँ पे? नहीं, यहाँ से रहते हैं, यहाँ पे ताल कटोरा में। अच्छा अच्छा जी। और कोई ऐसी वैरायटी जो की बहुत खास हो आपकी जो मुझे यहाँ? ये कौन सी वैरायटी? स्वीट लाइट। ये अनवर रटोल है। रटोल, ये अनवर रटोल वर्ल्ड फेमस आम है। अच्छा अच्छा, ये हमारी वैरायटी डेवलप करी है। इसमें स्मेल देखो बहुत खूबसूरत है। वास्तव में रटोल की बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, ये वर्ल्ड फेमस आम है। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो जामुन वाला, इसमें क्या खासियत है जी? जामुन वाला जो आम है, सुगंध आती है, जामुन की स्मेल आती है, देख सकते हैं सर? हाँ, देख सकते हैं। जामुन जैसा स्वाद आता है क्या? सुगंध? अभी कच्चा है, अभी कच्चा है, जामुन जैसे आती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ICRA का ये स्टॉल लगा हुआ है, और सर हमारे साथ में है, और किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सर कितनी वैरायटी आप इस बार लेके आए हैं यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल में? देखिए, हमारी 25 वैरायटीज आई हैं जी सर, लेकिन इसमें जो सामने की लाइन पे लगी है, इसमें ये सारी आम्रपाली से लेके पूसा दीप सिखा पूसा मनोहरी तक की वैरायटीज है। अच्छा। और इसमें 2-3 वैरायटीज बहुत अच्छी है जी। आम्रपाली मल्लिका तो पहले से ही किसान काफी बड़े क्षेत्र में लगा रहे हैं जी सर, लेकिन इसके अलावा जैसे हमारी पूसा अरुणिमा किस्म है, ये बहुत अच्छी है। अच्छा। और सबसे देर में पकती है, फल भी बड़ा होता है जी। और फल पकने के बाद बाजार में कई दिन तक रुक सकता है। अच्छा। 10 से 12 दिन तक फल रुक जाता है, पूसा अरुणिमा है। अरुणिमा मतलब किसान भाइयों को आप रेकमेंड कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये नई वैरायटी है दीप सिखा और मनोहरी। हाँ। इसका कैसा रिस्पांस है? इसका क्योंकि ये बहुत जल्दी आई है। अच्छा। अभी इनके रिस्पांस आने में समय है जी। तो लेकिन क्योंकि पूसा अरुणिमा देश के दूसरे हिस्सों में गई है, तो वहाँ से किसानों का फीडबैक भी हमारे पास आ रहा है। और पूसा लालिमा है। हाँ। पूसा लालिमा जल्दी पकती है जी। जैसे किसानों को पता ही है कि या तो अर्ली में अच्छा पैसा मिलता है या तो लेट में मिलता है जी। तो अर्ली है और रंगीन है, कलर्ड है, और लालिमा नाम ही है, पूरा लाल हो जाती है, और दशहरी के साथ पकती है तो अच्छी वैरायटी है वो। कोई दो वैरायटी जो किसानों को मुनाफा दे सके, ऐसी दो वैरायटी जो रेकमेंड करी जो बहुत शानदार है, बताएं? नहीं, हमने आपको जो दोनों ही बड़ी शानदार वैरायटी, पूसा अरुणिमा और पूसा लालिमा, लालिमा दोनों किसानों के हित को और उनके फायदे को ध्यान में रख के बताया है, वैरायटी भी है कि एक्सपोर्ट में भी आ सकती है जी, और अर्ली और लेट है। अच्छा। तो अर्ली और लेट होने से क्या होता है कि या तो जल्दी अच्छा पैसा मिलेगा या तो लेट में। TSS ठीक है? TSS अच्छा है। अच्छा। 18 से 22 का TSS है, अच्छा TSS है जी। और मिठास भी अच्छी है। हमने कहा सबसे अच्छी बात है कि अरुणिमा पकने के बाद बाजार में 10 दिन तक रहेगी। अच्छा अच्छा, तो खराब नहीं होगी। अभी सर ने कौन सा प्लांट लिया? चौसा का है सर। चौसा का प्लांट है, जो दूध दिया चौसा होता सफेद वाला? नहीं, ये देसी चौसा है, प्लांट भी है, ग्राफ्टेड है। कितने साल में फल आ जाएगा इसमें? ये सर आएगा आपका 2-3 साल में। अच्छा, कैसा रिस्पांस है? लोग प्लांट खरीदने आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आपका सारे प्लांट बिक गया मैं देख रहा हूँ। तो सभी आम के सारे प्लांट बिक गया मेरे, कुछ ही प्लांट बचे हैं। कौन कौन से वैरायटी लेके आए थे आप? मेरे पास था
अम्रपाली था, मल्लिका था, चौसा है, अच्छा बारोमासी था, बहुत सारे प्लांट लेके आए थे और उनका अम्बिका टॉमी भी लेके आए थे जी। हाँ यस सर। अच्छा सब बिक गया? यस सर। देखिए सारे प्लांट बिक गए हैं इनके। दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली मैंगो फेस्टिवल में कितनी भीड़ है और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती, रश होता है। देख सकते हैं हर तरफ मैंगो ही मैंगो मिल रहा है। तो सर कौन सी वैरायटी है ये? मैंगो टॉफी। टॉफी मैंगो, देख लीजिए चूसने वाला आम। अच्छा कैसा रिस्पांस है पब्लिक, कैसा रिस्पांस दे रही है? पब्लिक सही दे रही है, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। क्या रेट में टॉफी का चल रहा है ये? 150 का बॉक्स। 150 रुपए का। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? नीलम है और लंगड़ा है, मलाई लंगड़ा है, दशहरी है, रटोल है। अच्छा अच्छा, कहाँ से कहाँ के हैं आप? यहीं के कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के। बहुत सारे आम लेके आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं बहुत सारे। अच्छा दोस्तों देख सकते हैं और काफी उत्साह है लोगों में और बार बार के लोग मैंगो खरीद के देखिए ले जा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत मैंगो के काउंटर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं बहुत काउंटर लगे हैं, एक से एक वैरायटी के मैंगो ये देखिए सजाए गए हैं। यहाँ पर एक एक किलो के पैकेट भी तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को लेने में आसानी हो। यहाँ देख सकते हैं इतनी भीड़ है, ये देख सकते हैं भीड़ भीड़ है, देखिए कितनी भीड़ है दिल्ली मैंगो फेस्टिवल में। लोग हर तरफ मैंगो खरीदते हुए ही नजर आएंगे, ये देख सकते हैं काफी भीड़। कल कमेंट आया था कि भीड़ नहीं है क्या मैंगो फेस्टिवल में, देख लीजिए कितनी भीड़ होती है, निकलना मुश्किल है यहाँ पर, इतने मैंगो हर तरह के मैंगो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं यहाँ तो मैंगो का पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि इतनी टाइप के मैंगो यहाँ पर बिक रहे हैं। देखिए लोग कितना उत्साह है खरीदने में। कहाँ से आए सर? तिलक नगर से आए। तिलक नगर से आए हैं और अभी मैंगो कोई खरीदा आपने सर? अभी लिया है, एक पेटी लिया है। एक पेटी, कौन सी वैरायटी ली है आपने? कौन सी है भैया नाम बताना है? चमचम भैया ने खरीदा है। अच्छा क्या भाव मिली? 400 रुपए की 5 किलो के करीब है। ठीक है सर, कहाँ से आए भैया? यूपी से सर। अच्छा कौन 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 सी वैरायटी लेके आए हो? 363 वैरायटी हुई है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ये अम्रपाली है सर। अम्रपाली लेके आओ। ये कौन सी है? ये जाफरानी। अच्छा लोगों में कैसा उत्साह है, लोग खरीद रहे हैं इस बार? यस सर। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी बिक रही है? अम्रपाली बिक रहा है सर। सबसे ज्यादा अम्रपाली बिक रहा है, अम्रपाली काफी दिनों तक टिकता है ना? जी सर। अच्छा अच्छा, क्या रेट चल रहा है बॉक्स? 650 का बॉक्स। 650 रुपए का बॉक्स चल रहा है जी सर। ठीक है, बहुत बड़ा मैंगो है। ये कौन सी वैरायटी है? ये हाथी झूल है सर। हाथी झूल जी सर। खाने में कैसा है? एक नंबर का टेस्टी है। कितने की पेटी बिक रही मैंगो फेस्टिवल? ये 750 का है। 750 का है, बढ़िया। और कौन कौन सी वैरायटी आपने इस बार लेके आए? पास में बनारसी लंगड़ा है, गुलाब खास है सर। गुलाब खास जरा दिखाओ जरा। ये गुलाब खास है सर, ये गुलाब खास है सर। अच्छा अच्छा, ये गुलाब खास जी सर। खाने में काफी मीठा, एक नंबर का है, बहुत टेस्टी है सर ये। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे मैंगो की वैरायटी लेके आए हैं और देखिए लोगों में कितना उत्साह है और कितना क्रेज है, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ। कौन सा मैंगो भैया आपने बाई किया है यहाँ? गुलाब जामुन लिया है। गुलाब जामुन आपने भैया? मैंने लिया है गुलाब खास। अच्छा पहली बार मैंगो फेस्टिवल में आ रहे हैं? किससे पहली बार चुके हैं? एक्चुअली हमारा बाग है तो हम भी मैंगो उगाते हैं तो हम लोग ट्राई करने के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। कितना लिया है? हमने मिक्स आम लिया सर। मिक्स आम लिए हैं, क्या रेट मिला है? हमें 500 रुपए रेट मिला है। अच्छा इस बार मैंगो फेस्टिवल में कैसा लगा कि आपको? काफी अच्छा लगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू भैया। आपने ये है दशहरी। अच्छा रामकीला। अच्छा और एक है। अच्छा अच्छा मल्लिका। अच्छा अच्छा, कितने के मिले ये प्लांट तीनों? ये है चार प्लांट है। चार प्लांट है, 200 पर पीस है। 200 पर पीस। अच्छा 200 रुपए पर पीस, ठीक है सर। लंगड़ा है, दूसरी अम्रपाली केसरिया बदम्मा हुसन नारा रात की रानी अल्फेंसु बादशाह पसंद सिली मल्लिका तोता परी मैंगो टॉफी और चमचम। आइए आइए, केसर भी है भाई। Okay, I'm ready.
कौन सा बेच रहे हो? मैंगो टॉफी। टॉफी कितने दे रहे हो? ये 100 रुपए का बॉक्स दिया सर। अच्छा अच्छा, आपने सर कौन सा लिया नाम? ये आपके सामने, इसका नाम क्या है भाई? हुसनारा लिया इन्होंने सर। ये हमें मिला 300 रुपए का। अच्छा, मैंगो फेस्टिवल में आप फर्स्ट टाइम आए किससे पहले भी आए? नहीं, पहली बार आया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत से पहले कोई मैंगो फेस्टिवल देखा है लखनऊ का या बिहार का कहीं? नहीं नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं। पहली बार कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, मजा आ गया। ये बताइए, किंग ऑफ मैंगोज कौन कहलाता है? किंग ऑफ मैंगोज। और बंधु देखो, करेक्ट। एक हैम्पर इनके लिए, थैंक यू। आ जाओ। मैंगो में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। एंड एक और विटामिन पाया जाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका, ये आपका, थैंक यू। इधर आ जाइए। एंड आपसे बहुत इजी वाला क्वेश्चन पूछूंगी, बताइए पके हुए आम का कलर क्या होता है? येलो। और आपसे भी इजी पूछते हैं, मुझे ये बताओ आम को किस महीने में हार्वेस्ट किया जाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। बस जोरदार तालियां बच्चों के लिए हो जाए, कमाल एवरीबॉडी, हमने बहुत। सब आप लोग भी बजा सकते हैं तालियां, क्योंकि ये प्रोग्राम उनके बदौलत ही है। साथ ही साथ टॉप्स के लिए भी तालियां हो जाए। टॉप्स का यहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स आपको मात्र 20 रुपीज में मिल रहा है। मुझे बताओ आपके पेट की उम्र क्या होती है? हाँ, कितनी? 100 साल। 100 से कितनी, मतलब कितनी तक जा सकती है मैक्सिमम? चलो कोई बात नहीं, इनके लिए हम नूडल्स देंगे। मसाला आप लोग नहीं बोल सकते, प्लीज आप लोग मत बोलिए। चलो आप बताओ। ओके आप बताओ। टॉमी एटकिंस लेके आए हैं भैया? क्या रेट बेच रहे हैं टॉमी एटकिंस? ये 50 रुपए पीस बिक रहा है। 50 रुपए पीस जी। देख सकते हैं बेहतरीन कलर। तो यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं काफी, है ना? जी जी। खैर मुझे मालूम बहुत महंगा बिकता है, 100 रुपए पीस बिकता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं फेस्टिवल जी। और कौन कौन सी वैरायटी लेके आए हैं? और अरेबिका है, अंबिका है, सनसेशन है। अच्छा अच्छा जी। काफी लोग यहाँ पर मैंगो खरीदते हुए नजर आएंगे। यहाँ देखिए कुछ कलर वैरायटी आपको दिखाई देगी और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैंगो यहाँ पर दिखाई देगा। ये देख सकते हैं ये वैरायटी, और ये तो मैंगो फेस्टिवल में ही ये वैरायटी देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर खरीदा जा रहा है मैंगो। कौन सा मैंगो खरीद रहे हैं भैया? ये कौन सा मैंगो है? सिंदूरी। बहुत खूबसूरत लग रहा देखने में। ये टॉमी है। टॉमी दे रहे हैं भैया? टॉमी एटकिंस। अच्छा, और कौन कौन से मैंगो भैया खरीद रहे हैं? ये अरुणिका है। अरुणिका भी, वाह, अरुणिका मैंगो आप लेके आए इस बार? अच्छा, अब ये पिछले पहली बार लेकर आए हैं। अच्छा, अरुणिका कैसा रिस्पॉन्स लोग खरीद रहे हैं? जी बहुत खरीद रहे हैं। अच्छा, कि हम 100 पेटी लाए थे, 1 पेटी बची है। 100 पेटी अरुणिका के लिए आए थे, सब बिक गई? जी, ऑर्डर पे लाए थे। क्या रेट चल रहा है इसका? 600-500 रुपए किलो। नहीं, पेटी 5 किलो। अच्छा, 5 किलो पेटी 600 रुपए की। ठीक है भैया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ काफी लोग मैंगो खरीदने आए हुए हैं। कितना खूबसूरत है सुधांशु। ये कौन सी वैरायटी भैया लेके आए? मलिका। क्या रेट में है एक मैंगो? सिंगल सिंगल 100 रुपए। 100 रुपए का देखिए मलिका का एक पीस बिक रहा है, क्योंकि बहुत लोग ज्यादा आम नहीं खरीदते, सिंगल चीज को चाहिए, सिंगल भी आपसे मिल सकता है। ये कौन सा वैरायटी? अभी वही मलिका है? मलिका है। अच्छा अच्छा, इस बार कैसा रिस्पांस है लोगों का? यहाँ कितना उमंग है? बढ़िया है। अच्छा बढ़िया है। भाव सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है? भाव तो सही मिल रहा है। ठीक है। मलियाबाद से आए हैं? कहाँ से? मलियाबाद से। मलियाबाद कहाँ से सर बता दीजिए? मलियाबाद में हमारा मलियाबाद है, लखनऊ। अच्छा 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 अच्छा, किसान है जी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये एंट्री गेट है और एक एंट्री गेट आगे है,
अंदर चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंगो की बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है और आज काफ़ी लोग देखने भी आए हैं। आपने देखा कि बाहर कितनी भीड़ थी, तो ये देख सकते हैं और आज काफ़ी जो है लोग देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जो फुल्की लिखी है वो फुल्की वो वही दोस्तों, ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये पूषा की अरुणिमा है और देख लीजिए किस टाइप का होता है फ्रूट, और ये अरुणिका है, ये देख सकते हैं लखनऊ सीआईएसएच की वैरायटी अरुणिका, ये देख सकते हैं। और आपको मैं एक एक वैरायटी दिखाऊंगा, ये देख लीजिए ये मैंगो कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस मैंगो का नाम है ये देखिए नीला नील गोवा, इतना बेहतरीन मैंगो, हर तरह के मैंगो यहाँ लगे हुए हैं। जेवियर मैंगो देख सकते हैं, ये आमिर पसंद है, और ये देखिए शक्कर चीनी मैंगो, ऐसे ऐसे मैंगो दिखाने जा रहा हूँ आपको जो कभी ने नाम सुने होंगे ना देखा होगा। ये देखिए काला पैडी, और ये देख सकते हैं एक एक मैंगो आपको दिखा रहा हूँ। रत्ना तोता पैडी देखिए कितना खूबसूरत आया हुआ है, ये हमारा अल्फांसो मैंगो है, ये देख सकते हैं अल्फांसो कितना खूबसूरत मैंगो है। और अब मैं आपको जो मैंगो दिखा रहा हूँ ये देखिए ऑस्टिन, ऑस्टिन मैंगो, ये केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ के मैंगो हैं, ये देख सकते हैं ऑस्टिन मैंगो, और ये है सेंसेशन, और ये है टॉमी एटकिंस, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी वैरायटियाँ देखिए कैट राटाउल केसर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारे मलिहाबाद की फेमस दशहरी है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो मैंने मैंगो फेस्टिवल में एक वैरायटी दिखाई थी ये पाइपलाइन में है लखनऊ सीआईएसएच के, वो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब पाइपलाइन में है देख लीजिए, ये कोई आपको नहीं दिखाएगा। ये देखिए कोडिंग पड़ी होती है, इसका अभी कहा जाए आविष्कार नहीं हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मैंगो लखनऊ सीआईएसएच विकसित करने की कोशिश कर रहा है, ये सब किसान भाइयों के लिए है। और यहाँ पर देखिए मैं एक मैंगो का नाम दिखा रहा हूँ हरदिल अजीज, ये देखिए सब लुप्त हो चुका है बाजार में कहीं नहीं दिखता, ये देखिए ये सब बेहतरीन वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ वैरायटी जो ऐसी हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सब ये कौन करेगा।